हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण जो कि अपनी अयोध्या की पावन भूमि पर हुआ है, प्रभु राम अपने भव्य मंदिर में विराजे हैं, इसकी प्रतीक्षा हम सभी सनातनी भक्तों को पिछले 500 सालों से थी। सनातनियों के त्याग बलिदान का परिणाम ये हुआ, आज रामलला अपने निज महल में विराजे हैं। रामलला के दर्शन के लिए ब्रजमंडल के सभी संत महापुरुष महात्मा पधारे। जिस प्रकार अयोध्या का भव्य मंदिर नवनिर्मित हुआ है और सभी संत अयोध्या में पहुँचे, उसी के साथ हम प्रभु श्री राम से और अपने कृष्ण कन्हैया लाल से ये प्रार्थना करते हैं, मथुरा का भी भव्य मंदिर बने और हमारे कृष्ण कन्हैया अपने निज महल मथुरा में भी विराजे। ये हमारी प्रभु श्री राम, हमारे प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना है। आप सभी तिलक चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। तिलक चैनल आज दुनिया में अपनी ध्वजा फैला रहा है। इस पताका के तहत इस ध्वजा से सभी आध्यात्म से जुड़े लोग, सनातनी लोगों को बहुत ही ज़्यादा धर्म की शिक्षा प्राप्त हो रही है। आज के समय में हमारे जो नए युवक और युवतियां, जो हमारे बच्चे हैं, उन सभी को सनातन के माध्यम से नई नई जानकारी, ज्ञान और इसके साथ में सनातन धर्म है क्या, हमको सनातन संस्कृति में रहना कैसे है, हमको सनातन को जीना कैसे है, इन सभी की जानकारी हमें तिलक चैनल के माध्यम से मिल रही है। जिस प्रकार मस्तक पर मुकुटमणि का काम तिलक करता है, मस्तक पर जो तिलक होता है भगवान का पद चिन्ह माना जाता है, भगवान के चरण चिन्ह माने जाते हैं, और मुकुटमणि का काम हमारा तिलक करता है, इसी प्रकार सभी चैनलों का मुकुटमणि, सभी चैनलों का सर्वोच्च, सभी चैनलों का जो शीर्ष स्थान रखता है वो तिलक चैनल लगता है। और तिलक चैनल के माध्यम से सभी लोगों को बहुत ज़्यादा सनातन की जानकारी प्राप्त हो रही है। और मैं हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तिलक चैनल को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दे और सभी को खुश रखे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।